ब्रेकिंग न्यूज, आज की बड़ी खबर। एग्जिट पोल, दिल्ली में केजरीवाल की आंधी में उड़ी बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस को कितनी मिल रही हैं सीटें, इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरा बताएंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर शनिवार 8 फरवरी को हुए मतदान के बाद अब लोग चुनाव के नतीजों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सत्ता में वापसी होगी या फिर इस बार बीजेपी के 22 सालों वनवास खत्म होगा, इस बार सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हालांकि मतदान के ठीक बाद आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती नज़र आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 69 से 68 तक यानी 59 से 68 सीट, बीजेपी को 2 से 11 सीट मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस का बीते विधानसभा चुनाव की तरह इस बार फिर खाता खुलना मुश्किल ही नज़र आ रहा है और एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को एक बार फिर सीट नहीं मिलती दिख रही है। चलिए जानते हैं कहां से कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चांदनी चौक की तरफ। चांदनी चौक क्षेत्र के तहत विधानसभा की 10 सीटें हैं जिसमें से आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 9 से 10 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिलने के आसार है। वहीं कांग्रेस को यहां कोई भी सीट नहीं मिलती नज़र आ रही है। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की तरफ। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 9 सीटें हैं जिसमें आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 9 से 7 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस का खाता यहां भी खुलना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली की सभी 10 सीटों पर एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। यहां आपको 9 से 10, बीजेपी को 1 से 0 और कांग्रेस को भी यहाँ से कोई भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नई दिल्ली की तरफ। नई दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक 9 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 से 1 सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है। यहां कांग्रेस का खाता खुलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कांग्रेस बीजेपी आपके आगे पीछे तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आगे चलते उत्तर पश्चिमी दिल्ली की तरफ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में भी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी के ही खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहां आपको 7 से 9, बीजेपी को 1 से 3 और कांग्रेस को यहां भी कोई भी सीट मिलने का आसार नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली के 10 विधानसभा सीटों में से आपको 9 से 10 सीटें बीजेपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस को यहां भी कोई भी सीट नहीं मिलती नज़र आ रही है। अब बात करते हैं दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली की सभी 10 सीटें पर आम आदमी पार्टी के ही जीत मिलने की संभावना है। हालांकि यहां एक सीट पर बीजेपी को भी जीत मिल सकती है, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक यहां भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। तो गाइड्स आपको बता दें कि 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसी दिन साफ होगा कि दिल्ली के दिल में क्या है और क्या लोगों के केजरीवाल को एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जोरदार वापसी होने वाली है और बीजेपी को यहाँ भी हार का मुँह देखना पड़ सकता है। आप चुनाव के नतीजे सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को जरूर सब्सक्राइब कर लें और aajtak.com पर भी आप देख सकते हैं। तो गाइस दिल्ली की शिक्षित जनता के दिल में क्या है ये जानने के लिए आपको 11 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी 11 फरवरी को आप साफ हो जाए कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो जानने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और गाइस अपना जवाब
अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जानने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइड्स फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय। ये रेड कलर में दोस्तों ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये तुरंत ही बैल का आइकन आएगा दोस्तों बराबर में, इसे दबाकर ऑल पर कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी।